लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर जारी है विवाद। वाराणसी में छत पर हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया विरोध। अलीगढ़ में शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पाठ की तैयारी कर रहा है एबीवीपी। प्रशासन से मांगी इजाजत। लाउड स्पीकर के विरोध में सड़कों पर उतरी अमरावती की सांसद नवनीत राणा। महिलाओं के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। अजान के विरोध में खुलकर सामने आई बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, जोर जोर से चिल्लाकर नहीं होती खुदा की इबादत। किसी को खुदा की इबादत करनी है उसके लिए खुदा को जोर जोर से चिल्ला करके थोड़े करना पड़ता है। बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साधा निशाना। बोले, अजान के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना संविधान के खिलाफ नहीं। सब धर्म अपना अलग अलग है, अजान भी पढ़े और हनुमान चालीसा जिनको पूरे इष्ट देवता है करोड़ों लोगों के, तो वो हनुमान चालीसा भी पढ़े, तो इसमें कहाँ कोई विवाद। बीजेपी पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। अनुराग भदौरिया बोले, देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। रहा है महंगाई से आदमी किस तरह से जी रहा है, कैसे आत्महत्या कर रहा है महंगाई से, इस बारे में चर्चा नहीं करनी, क्योंकि जनता को वो जानते हैं ये समाज के असली मुद्दे हैं। समाज का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं, वो चाहते नहीं है महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा हो। अजान के विरोध में हनुमान चालीसा विवाद में ओवैसी की एंट्री। हर मजहब के लोगों को सुबह उठना चाहिए। कौन रोक रहा है आपको? बढ़िया अच्छा है, सुबह में सबको उठाइए आप। अरे वो छोड़िए, कौन रोक रहा है आपको? बढ़िया अच्छा है, सुबह में सबको उठाइए आप। अरे वो छोड़िए। सामने आया खरगोन हिंसा का एक और सीसीटीवी वीडियो में दिख रही है बेकाबू भीड़, पत्थर फेंके जाने के साथ भगदड़। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है खरगोन पुलिस की बेरहमी का वीडियो। मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई की। पहले से बेहतर है खरगोन हिंसा में घायल हुए शिवम की हालत, लेकिन अभी भी नहीं कर पा रहा है बात। 4 दिन से चल रहा है इलाज। खरगोन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भड़के शिवराज सिंह चौहान। कहा, मध्य प्रदेश में सुरक्षित हैं हर धर्म के लोग। अनुपासना धर्म, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको सम्मान देगी, सबको सुरक्षा देगी, भाईचारा कायम रखिए। खरगोन में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में दी गई थी ढील, सिर्फ महिलाओं को बाहर निकलने की छूट। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस की कार्रवाई। मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ पोस्ट करने वाले युवक के घर पर चला बुलडोजर। यूपी में भी जारी है सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता का अवैध निर्माण ध्वस्त। प्रयागराज में 250 बीघे जमीन की अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। जमींदोज की गई बाउंड्री, 3 निर्माणाधीन इमारतें भी सील। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इशारों में जताई पार्टी से नाराजगी। कहा, जनता के काम ना आ सकूं तो कैसी नेतागिरी। राजस्थान के प्रभारी रघु शर्मा ने राहुल गांधी से गुजरात के हालात पर की चर्चा। हार्दिक पटेल को लेकर भी सौंपी रिपोर्ट। गुजरात चुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक पाटीदार नेता नरेश पटेल को भी पार्टी में शामिल कराने पर चल रहा है मंथन। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी में हुए शामिल राजकोट के दिग्गज नेता इंद्रनील राजगुरु और वशराम सागठिया। गुजरात दौरे पर हैं असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव की तैयारी कर रही है AIMIM। सभी सीटों पर खड़ा करेगी उम्मीदवार। पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। कहा, पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़ी स्मृतियों से लोगों को मिलेगी प्रेरणा। आजादी के बाद के ये 75 वर्ष भारत के प्रधानमंत्रियों का कार्य का ये प्रधानमंत्री संग्रहालय हमें निरंतर प्रेरणा देगा। दिल्ली के 3 मूर्ति के परिसर में बना है संग्रहालय। म्यूजियम में 40 से ज्यादा गैलरी, करीब 4,000 लोगों के एक साथ घूमने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री म्यूजियम को लेकर सुलगी सियासत। कांग्रेस बोली, सेंट्रल विस्टा के परिसर में भी बन सकता था नया संग्रहालय।
131वीं जयंती पर बाबा साहब अंबेडकर को याद कर रहा पूरा देश, संसद भवन में पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा, बाबा साहब की उपलब्धियों को किया याद। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि, लिखा उनके महान और ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया अंबेडकर को नमन, चैत्य भूमि जाकर चढ़ाए फूल। महाराष्ट्र के कल्याण में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को विशेष श्रद्धांजलि, 2051 पुस्तकों से बनाया सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहेब की जयंती पर दिल्ली सरकार की ओर से म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिया हिस्सा। नोएडा और गाजियाबाद के बाद दिल्ली के स्कूलों में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, मनीष सिसोदिया बोले हालात है सरकार की नजर। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को जारी किया गाइडलाइंस, कोरोना के मामले आने पर तुरंत सूचना देने और स्कूल बंद करने का निर्देश। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल ने लोगों को दिलाया भरोसा, बोले हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं। अगर कुछ भी होगा तो हम स्थिति पे हम नजर रखे हुए, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहे और अभी चिंता करने की किसी जरूरत नहीं, अभी चिंता करने की किसी तरह की बात नहीं है, अगर कुछ भी होगा तो हम स्थिति। महाराष्ट्र में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 103 नए मरीज, 5 लोगों की गई जान। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया सीमा से सटे पंजाब के जिलों का दौरा, अकाली दल और कांग्रेस ने उठाया सवाल। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने की पूछताछ, 5 घंटे तक जांच एजेंसी ने दागे सवाल। हरिद्वार दौरे पर हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, वैशाखी के पर्व पर गंगा में लगाई डुबकी, भगवान शिव की पूजा अर्चना। रुद्रप्रयाग पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, टूरिज्म और बैसाखी मेले में लिया हिस्सा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में गुरु कमल का शुभारंभ। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा की छुट्टी तय, कल पद से देंगे इस्तीफा, अपने खिलाफ आरोपों को बताया बेबुनियाद। ईश्वरप्पा के खिलाफ जोरों पर है कर्नाटक में सियासी बवाल, मंत्री के समर्थकों का कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कानपुर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूंका राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला, तेजस्वी सूर्या को हिरासत में लिए जाने से नाराजगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया। शोपियां में मारे गए 4 आतंकियों में लश्कर का 2 दहशतगर्द ढेर, पूरे इलाके में अब भी जारी है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ने की खुदकुशी, सीआईएसएफ जवानों की सूझबूझ से जान बचाने की कोशिश। मध्य प्रदेश के शहडोल में 2 लोगों ने पेट्रोल पंप पर फेंका पेट्रोल बम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखनऊ में बेकाबू कार ने सड़क पर खड़े लोगों को रौंदा, 1 की मौत। वाराणसी में साड़ी फिनिशिंग कारखाने में भीषण आग, 4 की मौत। बिहार के सिवान में ग्रामीण बैंक से करीब 26 लाख नकद की लूट, बंदूक की नोक पर वारदात को 4 लुटेरों ने दिया अंजाम। हापुड़ में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने सिपाही को मारा थप्पड़, गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। मेरठ में एक महिला की बेरहमी से हत्या, पति ने सर पर हथौड़ा मारा, चाकू से गला काटा और खुद ही पहुंचा थाने। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में थाने के अंदर घुस लेता एएसआई गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों दबोचा। उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, पिकअप वैन पलटने से एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। समस्तीपुर मंडल में इतिहास के पन्नों का हिस्सा बनकर रह जाएगा डीजल इंजन, ज्यादातर रूटों पर इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही ट्रेनें। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को करीब 2.5 रुपए किलो महंगी हुई सीएनजी, 13 दिनों में 10.80 रुपए प्रति किलो बढ़ा है दाम। सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से दिल्ली में हड़ताल करेंगे ऑटो टैक्सी चालक, 18 अप्रैल को दी हड़ताल पर जाने की धमकी।
पीएनजी की कीमतों में भी गुरुवार को हुआ इजाफा। नेचुरल गैस के दाम दोगुने होने के बाद भरपाई के लिए आईजीएल ने 4.5 रूपए प्रति एससीएम बढ़ाए दाम। तेज गर्मी से इस साल खराब हो रही है आम की फसल, पिछले साल के मुकाबले आधी पैदावार रहने की आशंका से 42% बढ़े आम के दाम। आईपीएल में गुजरात ने राजस्थान को हराया, पहले खेलते हुए गुजरात ने दिया था 193 रन का लक्ष्य। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या बने जीत के हीरो, 87 रन पर नाबाद। अभिनव मनोहर की भी तेज बल्लेबाजी, 8 अंक के साथ आईपीएल में टॉप पर पहुंचा गुजरात, राजस्थान के 6 अंक। एक दूजे के हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, परिवार के सदस्यों और गिने चुने मेहमानों की मौजूदगी में बॉलीवुड सितारों के सामने लिए साथ फेरे। रणबीर की मां नीतू कपूर ने उतारी बहू की नजर, शादी में करीना कपूर, करिश्मा कपूर, पूजा भट्ट, आकाश अंबानी समेत कई सितारों ने की शिरकत। बॉलीवुड के स्टार कपल रणबीर और आलिया की शादी में पहुंचे रणबीर के भांजे जय और तैमूर, वायरल हुई दोनों की तस्वीरें। रणबीर आलिया की शादी के बाद जश्न का दौर, ढोल नगाड़ों के साथ मीडिया को बांटी गई मिठाई। भीषण गर्मी से दिल्ली वालों को राहत की उम्मीद, कई इलाकों में झमाझम बारिश। भीषण गर्मी के बीच राहत देने वाली खबर, मौसम विभाग का अनुमान, इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून। शुरू हुआ हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाने का काम, गोविंद घाट से रवाना हुए भारतीय सेना के जवान, 22 मई से शुरू होगी यात्रा। गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा, केसरिया झंडा लेकर निकले लोग, दिखी रंग बिरंगी झांकियां। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर कौमी एकता की मिसाल, मुस्लिम समुदाय ने जयंती शोभा यात्रा का किया स्वागत। दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय ने मनाया नए साल का जश्न, पारंपरिक पोशाक और नृत्य की भी दिखाई झलकियां। 2 सालों बाद बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने मनाया नव वर्ष और होली का जश्न, अलग अलग देशों के श्रद्धालु हुए शामिल। पंजाब और हरियाणा में बैसाखी त्योहार की धूम, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। असम में बिहू त्योहार की रौनक, 4 दिन तक चलता है उत्सव। तमिलनाडु में आज से शुरू हुआ नया साल, बड़ी तादाद में मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। चेन्नई में घर से बाहर निकले सुपरस्टार रजनीकांत, लोगों को दी तमिल नए साल की बधाई।